वालेकुम दोस्तों यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अम्तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे तो साथियों सबसे पहले जो खबर दोस्तों आ रही है कुवैत से वन लैक एटी थाउजेंड रेसिडेंट वॉलेटर लास्ट डेट ऑफ अमेंडेट स्टेटस ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी दोस्तों यदि आप इलीगल तरीके से वहाँ पर यदि आप रह रहे हो कुैत में या फिर आपको वॉलेसन की हो यदि आपको वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या कुछ भी कोई दिक्कत आपके साथ है दोस्तों आपके लिए इक्कीस जनवरी जो है वो लास्ट डेट है यदि आप उसके बाद यदि आप मतलब वहाँ पे सबमिशन नहीं करते हो जाके वहाँ पे मिनिस्ट्री के पास नहीं जाते हो तो आपको आपके लिए दोस्तों एक कैंपेन चलाया जाएगा कैंपेन के दौरान यदि आप पकड़े जाओगे तो आपको भारी मात्रा में आपको फाइन देना पड़ेगा आपको भी, बोर्ड भी किया जाएगा प्लस आपको पांच सालों के लिए दोस्तों आने की अनुमति बंद की दी जाएगी किसी भी गल्फ कंट्री में आप नहीं जा पाओगे तो साथियों यदि आप यदि आप इलीगल तरीके से वहाँ पे आप रह रहे हो तो जल्दी आप जल्दी से जल्दी दोस्तों जाइए वहाँ पे आप मिनिस्टर ऑफ़ इंटीरियर वहाँ पे जाइए दोस्तों अपना रिन्यू कराइए या फिर अपना घर वापस अपने मुल्क जाइए वहाँ पे मुल्क जाने के बाद वहाँ से नया नया वीज़ा इशू करवाने के बाद दोबारा आप कुवैत में आ सकते हो पर दोस्तों यदि आप नहीं गए इस बार इकतीस जनवरी तक आपको फिर यदि ये कैंपेन चलाया जाएगा पकड़े जाने पर आपको बहुत ही काफ़ी मात्रा में आपको फाइन देना पड़ेगा और आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा अगली खबर साथ ही एग्जिट परमिट इशू टू एक्सपर्ट टीचर दोस्तों वहां पे मिनिस्टर ऑफ़ एजुकेशन द्वारा यह बताया गया है कि जितने भी वहां पे टीचर वगैरह उनके लिए एग्जिट परमिट का दोस्तों जो एक्सपर्ट टीचर है उनके लिए वहां पे इशू किया जाएगा तो साथ ही यदि आप भी टीचर है यदि आप वहाँ पे यहाँ पे जाना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए वहाँ पे वहाँ पे इशू किया जा रहा है आपके लिए इशू किया जा रहा है एग्जिट परमिट तो जाना चाहते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हो यदि आप दूसरे देश में हो तो वहाँ पे जा सकते हो वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है अगली खबर साथियों प्लान टू कट होम क्वारंटाइन फॉर इनकमिंग ट्रैवल ऑन दी कार्ड दोस्तों जैसे कि आपको पता है साथियों वहाँ पे होम क्वारंटाइन को लेकर वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे दिन लोग वहाँ पे रहना पड़ता है जिसके बाद दोस्तों लोगों को काफी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो साथियों वहाँ पे वहाँ पे बातचीत चल रही कि जो होम क्वारंटाइन होता है उसको कम कर दिया जाएगा यानी अभी चौदह दिनों के लिए तो उसको दोस्तों ये घटाकर सात दिन कर दिया जाएगा या फिर दस दिन कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस पर फिलहाल अभी बातचीत चल रही है और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया पर दोस्तों ये प्रस्ताव एक तरह का रखा गया है बहुत जल्दी इस पर मंजूरी भी मिल जाएगी अगली खबर साथियों लिमिटेड न्यू वीज़ास फॉर डोमेस्टिक वर्कर इशू दोस्तों डिस्पार्ट ऑफ कैबिनेट अनाउंसमेंट इन्होंने कहा है कि न्यू जो डोमेस्टिक वर्कर को जो ईजा है मतलब वीजा जो है वो साथियों इशू किया जाएगा पर लिमिटेड लोगों के लिए तो साथियों यदि आप यदि आप इंटरेस्टेड है यदि आप वहाँ पे वीजा लेना चाहते हैं डोमेस्टिक वर्कर तो आप ले सकते हैं आपको बीस सलमा जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आपको जाना पड़ेगा और जाके वहां पर जो प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा और या फिर अपने आप जो आपके स्पॉन्सर है उनसे आप बात कीजिए बहुत ही जल्दी दोस्तों आपका नया वीज़ा इशू कर दिया जाएगा दोस्तों बताना चाहूँगा अभी तक अस्थित ही डोमेस्टिक करों के लाने के प्रक्रिया चल रही है जिनमें से करीब करीब आधा से ज्यादा लोग वहां पे आ चुके हैं और जो नया जो वी वीजा वाले लोग हैं वो अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की अनुमति आप लोगों को भी मिल जाएगी दोस्तों जो जो को लो लो लाना है वो रमजान से पहले सभी को वापस लाया जाएगा अगली खबर साथियों ने केएनपीसी वर्कर वाल अनहैप्पी लॉट दोस्तों केएनपीसी के बारे में दर्शक आपको पता है कि बहुत ही बड़ी कंपनी साथियों जो जो कुत ने, पेट्रो नेशनल पेट्रोलियम कंपनी से कहा जाता है दोस्तों वहाँ के जितने वर्कर है वो काफ़ी वहाँ पे दुखी हैं अब दुखी अनहैप्पी मानी दोस्तों इसलिए क्योंकि उन लोगों को सैलरी जो है वो दो तीन महीनों से मिली नहीं है जिसके बाद कुछ दिन पहले भी उन लोगों ने स्ट्राइक किया था जिसके बाद समझा कर उनके मनाया गया था पर अभी भी कुछ लोगों को वहाँ पर सैलरी नहीं दी गई जिसके लिए वो काफ़ी वो दुखी है और उसके लिए फिर से स्ट्राइक की बात कर रहे हैं तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो आ ऐड थी मैंने अब तक शेयर किया आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपों दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर टेक केयर